दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम सांपों को रिलीज करने आए हैं, तो आज हमारे साथ राज असोले, ये सर्प मित्र ही है यहाँ के पूना के, तो ये हमारे साथ आए हैं, तो हम साथ मिलकर अभी रिलीज कर रहे हैं सांपों को। तो सांपों के बारे में आपको कुछ बातें बता देंगे। हमने एक स्पेक्टिकल कोबरा, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा स्मॉल साइज में हमने रिलीज किया था, रेस्क्यू किया था, तो अभी इसको रिलीज कर दिया है दोस्तों। और दूसरा जो सांप है इसके बारे में हमने कभी बताया नहीं, ये पहला ही वीडियो है। और ज़्यादातर ये सांप रेड स्नेक के जैसा दिखता है लेकिन बहुत ही अग्रेसिव होता है, तो इसके बारे में हम जानकारी देंगे आपको। दोस्तों इसका इसकी जो पहचान है चेकर्ड किलबैक, महाराष्ट्र में इसे पान सांप या फिर दिवड़ या फिर बिरला के नाम से जाना जाता है, और भारत में इसे पानी वाला सांप कहा जाता है। ये बहुत ही काटता है, बहुत अग्रेसिव होता है, ये जहाँ पर काट लेता है वहाँ पे खून ही निकालता है। और इसकी पहचान जो है, इसके शरीर पर आप देख सकते हैं जालीदार नक्शी होती है, यही इसकी पहचान है, चेकर्ड इसी का नाम इसकी वजह से ही है। और दूसरा इसका जो पेट का हिस्सा होता है, निचला भाग जो होता है वो पीले कलर में ज़्यादा से दिखाई देता है, और इसकी आँखें मच्छी जैसे आँखें होती है, ज़्यादातर ये पानी में रहते हैं इसलिए, और इनका पानी में बहुत ज़्यादा समय गुजार सकते हैं ये सांप। तो अभी इनका मच्छी खाते हैं, छोटे छोटे मेंढक चूहे इनका खाना है, और ये नॉन वेनमस होता है यानी बिना जहर वाला होता है, लेकिन काटता बहुत है। तो अभी इसको हम रिलीज कर देते हैं दोस्तों, प्राकृतिक परिवेश में आज़ाद कर देते हैं। तो हम यहाँ पानी के साइड में इसको छोड़ देते हैं दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे पानी है, तो ये जो पानी वाला सांप है ये पानी में रह सकता है, और इसके इसके खाने की हर चीज़ इसे यहाँ पर मिल जाती है, तो हम पानी की जगह पर इसको रिलीज कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही और एक वीडियो के साथ मिलते हैं नए जानकारी के साथ, तो हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।